राजस्थानी हितकारक मंडळाकडून आज 18 सप्टेंबर 2024 रोजी आमदार सुलभाताई खोडके यांना जन्मदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी राजस्थानी हितकारक मंडळाचे अध्यक्ष तसेच दैनिक अमरावती मंडळचे संपादक श्री अनिलजी अग्रवाल यांच्यासोबतच राजस्थानी हितकारक मंडळाचे सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य यावेळी मोठ्या संख्येने आमदार सुलभाताई खोडके यांना शुभेच्छा देण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी उपस्थित होते. यावेळी श्री रामेश्वर गग्गड यांनी आपल्या विशेष शिरोशायरीच्या अंदाजात सुलभाताईंच्या दीर्घायुष्यासाठी कामना केली. चेहरे पे खुशी की लकीर सी छा गई, चेहरे पे खुशी की लकीर सी छा गई, जो ना चाहता वो तस्वीर बन गई. और हमने तो चलाई थी रेत पर उंगलियां, हमने तो चलाई थी रेत पर उंगलियां, गांव से लेकर सभी को आपकी तस्वीर बन गई. बहुत बढ़िया. त्याचबरोबर राजस्थानी हितकारक मंडळाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी आपली मनोगत व्यक्त करत सुलभाताईंच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनात प्रगती हो अशा शुभेच्छा त्यांना दिल्या. यावेळी संजय खोडके यांनी सुद्धा आपलं मनोगत व्यक्त करत राजस्थानी हितकारक मंडळाचे आभार मानले आणि अमरावतीच्या विकासासाठी तत्पर राहील असे आश्वासन दिले. संगठन के रूप में आज तक हमने कभी किसी को बधाई देने के लिए संगठन के रूप से नहीं गए, इंडिविजुअल गए. और उन्होंने ये भी कहा कि तुम कौन से पार्टी से खड़े रह रहे ये मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने आखिरी में बोलते बोलते ये भी बोल दिया कि हम आपको विधायक अगले जन्मदिन में देखेंगे. इसमें सब आ गया. तो आपकी शुभकामनाएं और आपने जो हमारे बारे में कहा है, भाई के बारे में भी कहा है, हम सब आभारी है. और हम आपको पता है कि हम आपके विश्वास रखते हैं, जात पात धर्म ये हमारा सभी हमारे पास है भी, और ना कई भाषा और इसका हमारे कोई गरज भी. हम हरदम काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारा एक ही नेचर है कि एखादा फोन अगर हम नहीं उठा सके अभी मीटिंग में तो उसका भी एक टेंशन आ जाता कि भाई अपन फोन नहीं उठा सक रहे आदमी पर लोग है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि का काम है कि उसको 100% 24 घंटे लोगों की सेवा करना है. विकास काम तो है, लेकिन विकास काम से मानव विकास का काम ज़्यादा करना पड़ता है. मानव विकास में बाकी सब चीज़ें आती है, जैसे अलग अलग संगठन आते हैं, व्यापारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, लेबर्स आते हैं, तो उनका जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना. और रोड नाली रास्ता और जैसे अभी जलपूर्ति का जो उदाहरण दिया, ये बहुत बड़ा काम रहा है कि हमारे विधानसभा कार्यकाल का ये सबसे इम्पोर्टेंट काम रहा. और कम से कम 2.5-3 साल हम उसके पीछे रात दिन लगे हुए थे. और दूसरा एक टैक्स का काम था, सुरेश जैन साहब गए थे कोर्ट में, मैंने बोला कि कोर्ट अभी रुका हम करेंगे. वो भी एक टैक्स तो लगेगा अपने को, लेकिन वो एकदम से 3% जो होगा था एक टर्म नहीं लगा था. और बाकी भी अभी बहुत काम है जो हम आने वाले चुनाव के टाइम में आपको एक पुस्तिका के रूप में देने वाले हैं कि हमने ये 5 साल में क्या किया है और 5 साल के आगे हमारा विजन क्या रहेगा, ये भी हम आपको देने वाले हैं. क्योंकि हमारे को जो आप लोगों ने चुन के दिया तो हमारा कर्तव्य बनता है आपके प्रति कि आपके सब सुख दुख रहो, आपके विकास के बारे में, आपके व्यक्तिगत काम के बारे में हमें सब सोच रखना चाहिए. यही हम करते हैं और आगे चल के भी आपका आशीर्वाद रहा तो उनका बहुत कम. और आप सबका और मंडल का आभारी है कि आप सब घर को आके शुभेच्छा दिए, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं. धन्यवाद. राजस्थानी हितकारक मंडल में अमरावती महानगर में रहने वाले या कह लीजिए कि जिले में रहने वाले राजस्थानी समाज के सभी घटक समाज समाविष्ट है. अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, जैन, ब्राह्मण और अन्य मारवाड़ी समाज, खंडेलवाल समाज. पिछले 75 वर्षों से मारवाड़ी समाज का यह संगठन प्रतिनिधित्व करता है. और चूंकि आने वाले 2 महीने बाद इलेक्शन है, मुझे नहीं पता कि इस जन्मदिन का क्या औचित्य निकाला जाएगा, क्या अर्थ निकाला जाएगा. लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक ऐसी नेता के जन्मदिन पर हमने एक नई परंपरा शुरू की है. राजस्थानी हितकारक मंडल की ओर से आज तक संगठनात्मक रूप में हमने किसी भी नेता को जन्मदिन की बधाई इसके पहले कभी नहीं दी. यह पहला अवसर है
यह परंपरा हम भाई साहब के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। संजू बाबू के बारे में क्या कहूँ, अमूमन ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, जहाँ उदाहरण उल्टा है, एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष है, और एक ऐसा पुरुष है कि मुझे लगता है कि जहाँ जितने राजस्थानी भाई बैठे हैं, शायद हर एक को व्यक्तिगत रूप से आप जानते होंगे, अमूमन हर एक को ही व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, या यूँ कह लीजिए कि राजस्थानी इक्कारक मंडल में 1200 सदस्य आए, आप पूरे 1200 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे। आपने न राजनीति में कभी जात देखी है, न धर्म देखा है, अब हमें नहीं पता कि आप किस पार्टी से खड़े रहने वाले हो। मुझे लगता है आपको लेकिन ये व्यक्तिगत एक विनती जरूर करूंगा कि ऐसी पार्टी की तरफ से खड़े रहिए कि हम आपको वोट कर सके। हम तकलीफ में ना आए आपको वोट करते समय, ऐसी किसी पार्टी की तरफ से मत खड़े रहिए। मैंने एक और अच्छी बात इस कोर के दंपत्ति में देखी है, अखबार वाला होने के कारण हम नेताओं के बयान ज्यादा और काम कम छापते हैं, क्योंकि आजकल बयानों की राजनीति बहुत चल रही है। खोड़के दंपत्ति में मेरा और संजू बाबू का 20 वर्षों का पुराना नाता रहा है, इनके बयान सबसे कम और काम सबसे ज्यादा छपते हैं। हाल ही में दो काम हमने प्रकाशित किए बड़े रूप में, एक जलापूर्ति योजना के लिए पैसा लाया है संजू बाबू ने, एक शायद एसटी स्टैंड के विकास के लिए, उसको डेवलप करने के लिए पैसा लाया है। मैं बाकी नेताओं के बारे में बोलकर के किसी की तुलना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि इनका विकास पर ज्यादा और बयान पर कम विश्वास है। हमारा झगड़ा है इनसे बात नहीं करता करते, ये इंटरव्यू मत दो, मैं नहीं जाता। अच्छा, ये इंटरव्यू इनका ले भी तो उसमें निकलता कुछ नहीं, हमको तो चटपटी बातें होना। ऐसा आज दिन भर सवेरे से हम बिजी थे, जीप के ऊपर हम कल से बिजी है, जीप हमारे इतने काम में आ रही किसी व्यक्ति की, इनका कोई हमारे काम में नहीं आता। विकास काम लोग पढ़ना काम पसंद करते हैं, इनको मैं बोलता हूँ कि भाऊ एकाधिक कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू तो ठीक है, बोले आ जाओ हम बैठेंगे, हम बैठते इंटरव्यू की बात होती नहीं। तो मैं पुनः आप लोगों को बधाई देता हूँ, एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हम अगले वर्ष भी आप विधायक के रूप में आपसे मिलेंगे। तो डेढ़ किलोमीटर दूर खड़ा रहना पड़ता और फिर वहां से अनाउंसमेंट होता था नाम का 2-3 घंटे के बाद में, तब जाके अपनी बात मन की बात रखने का वहां पर मौका मिलता। लेकिन जब से टाइम बढ़नेरा विधानसभा में रही एमएलए करती, तब मेरे को महसूस हुआ कि जनता का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, ये ताई से सीखने लायक है। कोई भी प्रॉब्लम दिन हो रात हो, कभी भी फोन कर दो, कभी पूछो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बार तो बड़ा विचित्र घटना हुई, मैं वो मुंबई के लिए उतरा रेलवे स्टेशन के ऊपर, मैं वीसा कराने के लिए जाना था, तो भाई अचानक मिल गई, तो सर कुछ है मतलब कि सर कुठे ही कहीं जगह जायजा नहीं है, सर तुमने अपने रूम पर कर दिया। मतलब बताओ कितने छोटे छोटे चीजों का वो ध्यान रखती है, और कभी भी उनसे मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि वो कोई नेता नहीं है, मेरे फैमिली कोई मेंबर है। ऐसी महान नेता अमरावती शहर को मिली है, ये अपना भाग्य है। लेकिन आज जैसे राम बाबू ने कहा, राम बाबू के इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं, ना तो हम कांग्रेस के हैं, ना राष्ट्रवादी के हैं, ना बीजेपी के, हम ताई साहब के जरूर हैं। एक एक बहुत सर्वसामान्य व्यक्तित्व करके जो राजनीति से परे रहते हुए कोई भी अगर संकटकालीन परिस्थिति में ताई साहब के पास में बाहू के पास में आता ही मैंने स्वयं अनुभव किया।
उनको नानी करेंगे ये नहीं बोलेंगे कि फिर मजा कार्यकर्ता नहीं उनका काम कैसा कराएगा। अजात शत्रु जो एक हिंदी में मराठी में शब्द है वो हमारे भाई साहब के लिए सम्मानीय सचिव भाव थे, भाव थे हमारे बड़े खानदानी से भाव के पिताजी का सालस था, भाई साहब मेरे दिल बच्ची की भी मित्र है और बहुत गोतावड़ा पारिवारिक गोतावड़ा है। जीवन के अंदर ऐसे जब बहुत कम लोग मिलते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं इसलिए भी सम्मान करता हूँ कि ऐसे सशक्त व्यक्तित्व का नेतृत्व अमरावती नगरी में महाराष्ट्र के राज्य तक के व्यक्तित्व के लिए अपना पोषक रहता है, जो जो एक निरागस और बहुत सच्चिता से सरलता से करने वाला रहता है। हमारे राष्ट्र के बड़े सशक्त कवि हैं उत्तम चंद शरद, उन्होंने ताई साहब के लिए कुछ लाइनें लिखी है कि जीवन वसंत सा खिले, जीवन वसंत सा खिले, हर क्षण सुरभित हो मिले, मंगल में हो धरती आकाश और सुभा शिशों का हो विकास। शिक्षा से समृद्ध व्यक्तित्व अच्छे परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए संजय भाऊ का और भाई का ऐसा साथ देखता हूँ मैं, राजनीति में ऐसे कम उदाहरण मिलते हैं। तो मैंने देखा शेखावत साहब के परिवार में भाई साहब का बड़ा सम्मान किया शेखावत साहब ने, व्यक्तिगत पति पत्नी के रूप में वो बेडरूम की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन भाई साहब के भाऊ के लिए जानता। भाऊ का अपना राष्ट्रीय स्तर है, हमारे भाई साहब का अपना राष्ट्रीय स्तर है, दोनों का एक में का सम्मान और विवाह संस्कार के अंदर एक बड़ा सुंदर ऋचा है ऋग्वेद की और वो बोल के मैं मेरे विचारों को विराम दूंगा, वो है गृहणामी ते सौ भगत वाय हस्तम मया पत्या जनदृष्टि जता सर। बाबू ने आना भाका नहीं ना, उसमें कहा था कि तुम्हारा मेरा साथ है ना सामाजिक धार्मिक और राजकीय क्षेत्र में कार्य करते हुए बड़ी सशक्तता से रहेगा। वीडियोला लाइक करा, शेयर करा, मंडल न्यूज़ चे यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब करा, फेसबुक व इंस्टाग्राम ला फॉलो करा।